हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर प्रणव मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है और क्या क्या इसमें प्रोसेस आती है उसके बारे में हम आज देखने जाएंगे। लास्ट इससे पहले लास्ट वीक हम लोग उसमें पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में जो मतलब स्पर्म किस तरीके से निकलता है, किस तरीके से यूरिया का फॉर्मेशन होता है, ये सब हम पहले देख चुके हैं। तो आज देखने जा रहे हैं कि भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किस तरीके से वर्किंग होती है उसके बारे में। तो जिस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी ऑर्गन और सेकेंडरी ऑर्गन पाए जाते हैं, उस तरीके से अपने पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्गन पाए जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए। हाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसके कितने पार्ट्स अपने पास? दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है ना। शुरू करते हैं। इन फीमेल वन पेयर ऑफ ओवरीज आर फाउंड। इसमें क्या होती है, एक जोड़ा ओवरी का पाया जाता है। इट प्रोड्यूस फीमेल सेक्स सेल्स और जेमेट्स। ये क्या करती हैं, फीमेल सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करती हैं या फिर जेमेट्स प्रोड्यूस करती हैं या फिर जिसको बोला जाता है ओव्यूम वो प्रोड्यूस कर रही हैं। एंड इट सेक्रेट्स टू हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और इसके साथ में दो हार्मोन भी रिलीज करती हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। कौन कौन से हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। इसी की वजह से मतलब जो अपने जो एज होती है, मतलब एक एज के बाद जो मतलब चेंजेस देखने लगते हैं बॉडी में, वो इन हार्मोन्स की वजह से ही दिखाई दे पाते हैं, ठीक है। ओव्यूम आफ्टर मैच्योरेशन कम्स आउट फ्रॉम द ओवरी। यानी जो ओव्यूम होता है वो क्या होता है, मतलब कि एक तरीके से फीमेल सेक्स सेल्स है जो क्या कर रहे हैं, मैच्योर होने के बाद क्या करता है, बॉडी से बाहर नहीं निकलता है, उसकी जो स्ट्रक्चर होता है ओवरी वहां से निकल के आता है बाहर की तरफ। तो कम्स आउट फ्रॉम ओवरी एंड एंटर इनटू यूटेरस, फिर एंटर कर जाता है यूटेरस में, पासिंग थ्रू फेलोपियन ट्यूब। और कहां होता है, पास होकर कहां जाता है, वो फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। तो यहां तक तो फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचने की बात तो आ गई है। इसके बाद आता है अपने पास सेकेंडरी ऑर्गन, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेकेंडरी रिप्रोडक्शन ऑर्गन, कुछ भी बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है ना। तो अब इसके बाद आ रहा है अपने पास फेलोपियन ट्यूब। देखिए फेलोपियन ट्यूब किस तरीके से वर्क कर रही है उसको समझ रहे हैं। इट इज ए लॉन्ग कॉइल ट्यूबुलर ऑर्गन। ये एक लंबी कॉइल या लंबी ट्यूब के ऐसा ऑर्गन होता है, विच इज सिचुएटेड एट द बोथ साइड ऑफ द यूटेरस। यूटेरस के दोनों साइड में उपस्थित होते हैं ये। एंड दीज ट्यूबल्स हेल्प इन ट्रांसफॉर्मिंग ओव्यूम फ्रॉम ओवरी टू यूटेरस। ओवरी से यूटेरस तक ओव्यूम को पहुंचाने का काम फेलोपियन ट्यूब कर रही है। क्या कर रही है, ओवरी से ओव्यूम को, ओवरी से लेकर के यूटेरस तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, फेलोपियन ट्यूब। इट इज 10 टू 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंडेड अप टू बैक साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। यानी क्या है, लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती हैं और बैकबोन अपनी जो बैक साइड होती हैं एब्डोमिन की उसके पीछे की तरफ पाई जाती हैं। इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग फेवरेबल कंडीशन। अब किसमें हेल्प कर रही है, फेवरेबल जो परिस्थिति चाहिए होती है ओव्यूम को रिलीज होने के लिए, वो परिस्थिति क्रिएट करने का काम कौन कर रही है, फेलोपियन ट्यूब। इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग फेवरेबल कंडीशन फॉर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए जो मीडियम या जो परिस्थिति या जो कंडीशन चाहिए होती है उनको क्रिएट करने का काम कौन कर रहा है, हमारे पास फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आ जाता है अपने पास यूटेरस। अब यूटेरस देखें तो यूटेरस इज इसका नेक्स्ट भाग है यूटेरस, ठीक है ना। यूटेरस इज होलो मसलर सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है, अंदर से खोखला और मसल से बना हुआ सैक जैसा स्ट्रक्चर होता है। सिचुएटेड एट द मिडल ऑफ ब्लैडर, जो ब्लैडर के जस्ट नीचे की तरफ पाया जाता है। एंड रेक्टम इन लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, यानी एब्डोमेन के नीचे वाले भाग में, वेयर बोथ फेलोपियन ट्यूब्स आर कंबाइंड टू फॉर्म ए सैक लाइक स्ट्रक्चर। जहां पे दोनों फेलोपियन ट्यूब साथ में जुड़ करके एक सैक जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं। और फिर इसके बाद होता है अपने पास यूटेरस ओपन्स इनटू वेजिना। यूटेरस क्या करता है, वेजिना में जाकर के ओपन होता है विया
सर्विक्स या कैल्विक्स, जब इसको कैल्विक्स बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं, इन यूटेरस फर्टिलाइज एग जायगोट, फर्टिलाइज एग को ही जायगोट बोला जाता है, इन यूटेरस फर्टिलाइज एग जायगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, फिर इसका जो डेवलप होने का काम हो रहा है फर्टिलाइज एग का वो एम्ब्रियो में हो रहा है आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद में। अब यहाँ पे बात आती है इम्प्लांटेशन क्या होता है, तो इम्प्लांटेशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या कर रहा है, मतलब स्पर्म को मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में रिलीज कर दिया जाता है, डाला जाता है, जिससे क्या होता है कि यहाँ पे उस प्रोसेस को बोल रहे हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। फिर आ रहा है अपने पास प्लेसेंट इज ऑल्सो फॉर्म्ड इन यूटेरस टू कनेक्ट एम्ब्रियो एंड मदर फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन, यानी कि जो अंदर मतलब जो जीव पैदा हो रहा है, यानी जो न्यूट्रिशन जो मतलब अंदर ऑर्गेनिज्म बन रहा है या नया जो जीव बन रहा है, नई संतान बन रही है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए में जो मदर होती है या माता होती है उसके शरीर से उसके शरीर को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है अपने पास प्लेसेंट, ठीक है ना, जिससे क्या हो उसका न्यूट्रिशन प्राप्त करने का काम जो है मतलब खाना पीना जो भी है वो सारी प्रोसेस का काम वो का अपनी माँ से कर सके। फिर आते हैं अपने पास वेजिना, इट इज नियरली 8-10 सेंटीमीटर लॉन्ग कैनल, ये लगभग 8-10 सेंटीमीटर लंबी कैनल होती है, सिचुएटेड बिटवीन ब्लैडर एंड रेक्टम, ब्लैडर और रेक्टम के बीच में पाई जाती है, विच बिहेव्स एज ए कॉपुलेशन एरिया इन फीमेल, जो फीमेल के अंदर पॉपुलेशन एरिया की तरह बिहेव करती हैं। दिस ऑर्गन आल्सो वर्क्स एज द पासेज फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो, यानी कि जो क्या कर रही है अपने पास ये मतलब जो अपने पास ऑर्गन होता है इस ऐसे ऑर्गन के रूप में काम कर रही है, जो क्या कर रही है मतलब कि वे अपना जो सब्सटेंस होते हैं उनको आगे किस तरीके से पास करा जाए उसके रूप में, एंड डिलीवरी और डिलीवर किस तरीके से किया जाए। इन वेजिना हम आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे।